नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख बड़ी खबरें देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर को बंद करेंगे एमपी के सभी हाईवे, नहीं निकल सकेंगे वाहन, किसानों का बड़ा ऐलान। 1 अक्टूबर को एमपी के सभी हाईवे बंद कर दिए जाएंगे, यहाँ चक्का जाम किया जाएगा, एक भी वाहन को निकलने नहीं दिया जाएगा। सोयाबीन के दाम बढ़ाने की अपनी मांग के समर्थन में प्रदेश भर में सभी हाईवे पर किसान चक्का जाम करेंगे। भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। तो ये यहाँ पर 1 अक्टूबर को एमपी के सभी किसान मध्य प्रदेश के सभी हाईवे पर चक्का जाम करेंगे, नहीं निकल सकेंगे एक भी वाहन। तो ये किसानों का बड़ा ऐलान है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे गजटेड अधिकारी, सीएम मोहन यादव का ऐलान। सीएम मोहन यादव ने एमपी में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मध्य प्रदेश में सीधे अधिकारी बनेंगे। साथ ही उज्जैन में मलखंब एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, साथ ही एमपी यूथ गेम्स के भी आयोजन किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आज बड़ा ऐलान किया गया है, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सीधे गजटेड अधिकारी बनेंगे, उज्जैन में मलखंब एकेडमी और एमपी यूथ गेम्स के आयोजन, ये सभी यहाँ पर घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करी है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कोलकाता में निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो ये एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे, निवेश को लेकर के देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, लाडली बहनों को सरकार ने दी नई जिम्मेदारी, ऐसा करने वाला एमपी बना देश का पहला स्टेट। टोल पर टैक्स वसूली का जिम्मा संभालने से महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न हो रही हैं। देश में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरपूर योगदान दे रही है। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को नई जिम्मेदारी दे रही है। टोल टैक्स का यहाँ पर जिम्मा संभालने के लिए महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, ये यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित बड़ी खबर है। आज की विश्वकर्माओं को हमें कल का बड़ा उद्यमी बनाना है, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रगति का 1 वर्ष यहाँ पर मना रही है। 20 लाख विश्वकर्माओं को सफल पंजीकरण हुआ है, 8 लाख विश्वकर्माओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, 1.6 लाख विश्वकर्माओं को 1400 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभों का डिजिटल वितरण किया गया है। तो ये बड़ी खबर है पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, पंचायत सचिव के नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में डाला अश्लील फोटो। तो ये पंचायत सचिव सस्पेंड हो गए हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव के नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील फोटो डालने का मामला सामने आया है, ये यहाँ पर भोपाल से बड़ी खबर है। पंचायत सचिव को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, अगली बड़ी खबर है यहाँ पर आरटीओ से संबंधित। आरटीओ में अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनने ठप हो सकते हैं, क्योंकि 38% ही कर्मचारी बचेंगे, वे भी अनट्रेंड रहेंगे। 22 साल से कार्यरत निजी कंपनी ने आरटीओ में काम करने से इनकार कर दिया है। निजी कंपनी जो है 11 माह पहले ही काम करने से मना कर चुकी है। सरकार ने फिर भी नया टेंडर नहीं जारी किया है। इस लापरवाही के पीछे अफसर जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आरटीओ में अब अक्टूबर से केवल 38% कर्मचारी ही बचेंगे, वे भी ट्रेंड रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो निजी कंपनी है वो 22 साल से कार्यरत थी, उसने यहां पर काम करने से इनकार कर दिया है। तो अब यहां पर अक्टूबर से आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनने ठप हो सकते हैं, ये यहां पर बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर देखेंगे, अगली बड़ी खबर है यहां पर जबलपुर से। जबलपुर में तहसीलदार पर केस हुआ, प्रदेश भर में हड़ताल, 52 विभागों के काम अटकेंगे। तो ये यहां पर जबलपुर से मामला है। जबलपुर में तहसीलदार, पटवारी सहित 7 लोगों के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी का केस दर्ज होने पर प्रदेश भर के तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे 52 विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें राजस्व के नामांतरण, बंटवारा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और नक्शा तरमीम जैसे अहम काम भी शामिल हैं। जांच में भी खुलासा हुआ है कि तहसीलदार और पटवारी ने फर्जीवाड़ा किया है, इसीलिए यहां पर तहसीलदार पर केस किया गया है। तहसीलदार पर केस होने से प्रदेश भर के यहां पर तहसीलदार हड़ताल पर हैं, 52 विभागों के काम अटकेंगे। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, प्रदेश में आयुष्मान पखवाड़ा आज से शुरू हो गया है। 20 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान पखवाड़ा। तो कैंप लगा करके यहाँ पर अब आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे लाभार्थियों के। तो ये यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से संबंधित बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे,
ये यहाँ पर चीतों से संबंधित मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। कूनो और गांधी सागर के बीच बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। मध्य प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान के 7 जिले और यूपी के 2 जिलों के जंगल शामिल होंगे इसमें। तो यहाँ पर 5 साल के अंदर चीता कॉरिडोर के विकास का काम भी शुरू होगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के 8 जिले होंगे चीता संरक्षण क्षेत्र के लिए, राजस्थान के 7 जिले होंगे और उत्तर प्रदेश के 2 जिले झांसी और ललितपुर को यहाँ पर शामिल किया जाएगा चीता संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, सफाई के संदेश का सबसे बड़ा मंच। पहली बार सड़क पर झाड़ू लगाने व चैम्बर खोलने वालों को किसी भी राष्ट्रपति ने मंच पर किया है सम्मानित। राष्ट्रपति ने सफाई मित्र अनिता बाई का सम्मान किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई, CM मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट मौजूद रहे। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर है इंदौर से। अगली बड़ी खबर देखेंगे यहाँ पर, वन विहार की व्हाइट टाइग्रेस रिद्धि खामोश हो गई हैं। 11 साल आकर्षण का केंद्र रही हैं। 4 साल की उम्र में इंदौर से लाया गया था सफ़ेद बाघिन रिद्धि को। 15 साल की उम्र में यहाँ पर मौत हो गई है। 2 दिन से खाना छोड़ दिया था इन्होंने। तो ये यहाँ पर वन विहार भोपाल की व्हाइट टाइग्रेस रिद्धि की यहाँ पर मौत हो गई है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, वन विभाग ने जारी किए हैं आदेश। 2014 से पहले भर्ती फॉरेस्ट गार्डों को कोषालय की गलती पड़ी भारी। अब यहाँ पर 15 साल पहले जो 6592 फॉरेस्ट गार्ड थे उनको गलती से 165 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ज़्यादा भुगतान कर दिया गया था। अब यहाँ पर सरकार ब्याज सहित पैसे वसूलेगी इन सभी फॉरेस्ट गार्डों से। 1.5 से 5 लाख तक की वसूली प्रत्येक फॉरेस्ट गार्ड से की जाएगी। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, मुकेश अंबानी ने खरीदा 1000 करोड़ रुपए का बोइंग 737 MAX 9 विमान। डिलीवरी से पहले फ्रांस, स्विट्जरलैंड में प्रीमियम फर्स्ट क्लास सीटें लगीं। तो ये यहाँ पर मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ रुपए का बोइंग 737 MAX 9 विमान खरीदा है। तो ये है यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी खबरें। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।